एकादशी का पर्व हर साल कार्तिक मास के एकादशी तिथि को मनाने की प्रथा सदियों से चलती आ रही है। इस प्रथा के पीछे बहुत सारी वजहें हैं, जिसमें से एक है जब विष्णु जी अपने 4 माह के योग निद्रा के बाद जागृत होते हैं, तो जिस दिन वे जागृत हुए वो दिन एकादशी से पड़ा। और इस दिन जब तुलसी माता और विष्णु जी का शालिग्राम रूप के साथ विवाह होता है, इस दिन से हमारे सनातन धर्म में सारे शुभ काम जैसे गृह प्रवेश, बच्चों की बड़ी पूजा, उनकी जन्म की पूजा, शादी विवाह, सारे मांगलिक कार्य, हर घर की पूजा, व्यापार की पूजा, इसी तुलसी विवाह के बाद से सारे मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन से देव जागृत हो जाते हैं। देव उठनी का मंत्र है देव का जागृत होना और सारे मांगलिक कार्यों का होना। तुलसी विवाह से संबंधित और भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें जा करके अवश्य देखिए। तुलसी विवाह इस साल 2023 में 23 नवंबर दिन गुरुवार को पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जाएगी। बहुत सारे लोग इसे छोटी दीपावली के नाम से भी जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, तुलसी विवाह कैसे करें, बिना व्रत के तुलसी विवाह कैसे करें, और इन 5 चीज़ों के बिना तुलसी विवाह अधूरी मानी जाएगी, क्या है वो 5 चीज़, इन सभी चीज़ों को विस्तार से जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त कब है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 22 नवंबर को रात 11:09 से 23 नवंबर को रात 9 बजे तक का रहेगा। और यह तुलसी विवाह 22 नवंबर से लेके कार्तिक शुक्ल मास की पूर्णिमा तक आप कभी भी कर सकते हैं। अब हम यह देखेंगे कि तुलसी विवाह कैसे करें। जिस दिन तुलसी विवाह है उस दिन आप सुबह उठकर स्नान करके तैयार हो जाएं, उसके बाद आप घर की पूजा करें, उसके बाद आंगन में रखे तुलसी के पौधे पर जल डालें, और जिस चौरे पर यदि वो प्लास्टर का है तो उसे आप पोताई करें, और यदि आप गमले में पूजा कर रहे हैं तो गमले की भी पोताई करें। साफ सफाई करके गंगा जल सभी अपने घर तरफ छिड़किए। रात के समय जब आप तुलसी पूजा कर रहे हैं तो अपने गमले में या अपने तुलसी चौरे पर 5 गन्ने से मंडप बनाइए और एक चौके पर शालिग्राम को रखिए या तुलसी के चौरे पर ही। उसके बाद रात्रि में अपने तुलसी चौरे के नीचे पर या गमले के पास जहां आप तुलसी का पौधा लगाए हैं उसके पास आप छोटे सी रंगोली बनाएं। उसके बाद तुलसी चौरे के नीचे पीढ़े रख कर कलश बनाएं, कलश में पानी डालकर घी का दीपक जलाएं और उस कलश पर गमला रखें। यदि आपके पास तुलसी चौरा नहीं है और गमले के बगल में शालिग्राम रख कर उनका गठबंधन करें, या जिस 5 गन्ने का मंडप बनाए हैं उसमें चुनरी चढ़ाकर सभी को रोली अच्छा फूल चढ़ाइए। घी के दीपक से तुलसी मैया के कलश के ऊपर दिया जलाइए, गोंदे का फूल चढ़ाइए, शालिग्राम को चंदन का टीका लगाइए। और बिना शालिग्राम के कैसे पूजा कर सकते हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, पर इस वीडियो में भी आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास शालिग्राम जी का पत्थर नहीं है तो आप विष्णु जी की सिंगल तस्वीर के साथ तुलसी मैया का विवाह कर सकते हैं, या श्री कृष्ण जी का के साथ भी जिसमें राधा ना हो, क्योंकि श्री कृष्ण जी भी विष्णु जी का ही अवतार माना जाता है, तो इस प्रकार आप उनका विवाह कर सकते हैं। और इस पूजा में आपको बेर, सिंघाड़े से बनी चीज़ें, सिंघाड़े का हलवा, सिंघाड़े का फल या कच्चा सिंघाड़ा भी चढ़ाया जाता है। इस पर नए नए फल जो मौसमी फल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तुलसी विवाह के करने से एक कन्यादान के करने जैसा पुण्य फल मिलता है। आप बिना व्रत के भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रखे हैं फिर भी आप उस दिन मांसाहारी चीज़ों का सेवन ना करें, आप शाम को इसी तरह की पूजा कर सकते हैं।
अब हम उन पांच चीज़ों को देखेंगे जिनके बिना जो आप नहीं किए तो तुलसी पूजा अधूरी मानी जाती है। सबसे पहले जब हम तुलसी पूजा करते हैं तो प्रॉपर एक सुहागन के भेष में करें। आप आलता महावर पूरा तैयार होकर के बैठें और तुलसी माता को भी अपनी शक्ति के अनुसार 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। तुलसी के पत्तों पर मेहंदी लगाएं और उन्हें चूड़ियां चढ़ाएं, हो सके तो पीले रंग के लड्डू, पीले रंग की वस्तु चढ़ाएं, क्योंकि पीले रंग के लड्डू या पीले रंग का बना कपड़ा विष्णु जी को बेहद ही पसंद है। माता को चुनरी अवश्य चढ़ाएं और इस पूजा में सिंघाड़े से बनी वस्तुओं का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप सिंघाड़े से बनी वस्तुएं भी तुलसी पूजा में अर्पित करें। पांच गन्ने का मंडप अवश्य बनाएं, क्योंकि मंडप पांच गन्ने का ही बनाया जाता है, तो आप इन सभी ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखें वरना पूजा असफल मानी जाती है। तो आप बिना व्रत के भी इस पूजा को कर सकते हैं, हालांकि इस व्रत का फल आपको बेहद ही ज़्यादा मिलता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएँ। देवउठनी एकादशी को लेकर मैंने एक और वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में लगा दूंगी, तो आप उसे जा कर के देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।